शोध बाल वैज्ञानिकों का, ज्ञान एवं विज्ञान, ये ज्ञान युग है। यहाँ नए ज्ञान एवं तंत्र ज्ञान का निर्माण अग्निबाण की रफ्तार से हो रहा है। आज़ादी के बाद भारत देश ने वैज्ञानिक संशोधन और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयाँ हासिल की हैं। आज हर क्षेत्र में उन्नति हो गई है, किंतु ज़्यादा तौर पे ये विकास शहरों तक ही सीमित रहा है। दुर्भाग्यवश पिछले 60 सालों में ग्रामीण भारत इससे वंचित रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मूविंग एकेडमी ऑफ मेडिसिन एंड बायोमेडिसिन की स्थापना वर्ष 2001 में 13 जग विख्यात डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों द्वारा की गई। न्यूरोलॉजिस्ट पद्म भूषण विभूषित डॉक्टर NH वाडिया इस अकादमी के अध्यक्ष हैं। कर्क रोग संशोधन संस्था एक्ट्रैक नवी मुंबई के पूर्व निदेशक डॉक्टर MG देव अकादमी के उपाध्यक्ष एवं सचिव हैं। कर्क रोग संशोधन संस्था एक्ट्रैक नवी मुंबई के जेनेटिक इंजीनियरिंग विभाग प्रमुख डॉक्टर रीता मुलेलकर खजिनदार हैं और आधार कर संशोधन संस्था पुणे के प्राणीशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर SM घासकड़वी सह सचिव एवं खजिनदार हैं। यह संस्था मुख्य तौर से दो क्षेत्रों में कार्य करती है। वैद्यकीय क्षेत्र में संशोधन को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यशाला और परिषदों का आयोजन करना एवं आधुनिक विज्ञान व तंत्र ज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने के लिए विविध प्रकल्पों का आयोजन करना। इनमें से एक मुख्य प्रकल्प है बाल वैज्ञानिकों की खोज। इस प्रकल्प की जानकारी विविध प्रसार माध्यमों के द्वारा महाराष्ट्र में दी जाती है। इच्छुक छात्रों से कर्क रोग, हृदय विकार, मूल पेशी, स्वाइन फ्लू, जीन्स, जीन क्लोनिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉप्स जैसे विषयों पर निबंध मंगवाए जाते हैं। ग्रामीण छात्रों को इसमें शामिल करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। डॉक्टर देव इन भागों में बसे पाठशालाओं में जाकर वहाँ के शिक्षक और छात्रों से बातचीत करते हैं। महाराष्ट्र से आए हुए अनेक निबंधों में से कुछ खास छात्रों की साक्षात्कार पुणे एवं ग्रामीण पाठशालाओं में ली गई तथा छात्रों द्वारा लिखित निबंधों को उनकी महत्ता के अनुसार विशेष महत्व दिया गया। पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से 56 छात्रों को चुना गया, जिसमें 73% छात्र ग्रामीण थे और उनमें 70% लड़कियां थी। बच्चों को संशोधन का मौका मिले और उसका समाज को भी फायदा हो, इस दृष्टि से सिर्फ सामाजिक संशोधन प्रकल्पों को ही चुना गया। बच्चों ने शारीरिक संरचना, किडनी के दीर्घकालीन विकारों का प्राथमिक अवस्था में पता लगाना, रक्त की कमी, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तदाब, पेयजल की जांच करना और कुछ वनस्पतियों में पाए जाने वाले कर्क रोग विरोधी गुणधर्मों का अभ्यास करना, इन जैसे प्रकल्पों पर काम किया। चुने गए बाल वैज्ञानिकों को इन विविध प्रकल्पों पर काम करने के लिए गुटों में विभाजित किया गया। यह प्रकल्प शहरों में मध्यम वर्गीय और झोपड़पट्टी तथा ग्रामीण भागों में किए गए। अनुष्ठान शुरू होने से पहले डॉक्टर देव ने छात्रों को प्रकल्पों का स्वरूप समझाया। अकादमी के पुणे स्थित मुख्य प्रयोगशाला में एक हफ्ते का पूर्व प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लोगों को प्रकल्प की जानकारी देना, उनकी सम्मति लेना, शामिल व्यक्ति की पूरी जानकारी, उनका वजन एवं लंबाई नापना तथा उससे BMI निकालना, रक्तदाब नापना इत्यादि सिखाए गए। किडनी विकार, रक्त कमी निदान के लिए पेशाब एवं खून की जांच करने का प्रशिक्षण दिया गया। खून में पाए जाने वाले शर्करा की मात्रा ग्लूकोमीटर द्वारा जांचना सिखाया गया। पानी की जांच के लिए भौतिक, रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक परीक्षण करना तथा प्राणी ऊति संवर्धन शास्त्र के विविध तरीके सिखाए गए। इन प्रकल्पों का ग्रामीण स्तरों पर अमल करने के लिए प्रयोगशालाएं उपलब्ध कर दी गई। हफ्ते के 4 दिन छात्र संशोधन के लिए चुने गए क्षेत्रों में और 2 दिन पुणे के प्रयोगशाला में काम किया करते थे। प्रशिक्षण के बाद संबंधित निवास स्थान में जाकर काम करने की शुरुआत की गई। शुरू के दिनों में संस्था के प्रतिनिधि बच्चों के साथ काम करते थे। छात्र लोगों के घर घर जाकर उन्हें प्रकल्प की पूरी जानकारी देकर, उनसे सम्मति लेकर व्यक्तिक एवं पारिवारिक जानकारी लेते थे, साथ साथ उनका वजन, लंबाई, रक्तदाब नापकर उनके पेशाब के नमूने भी लेते थे। बच्चे वे नमूने शीत पेटी का उपयोग कर वहां के प्रयोगशालाओं में ले जाकर उनकी प्राथमिक जांच करते थे। ग्रामीणों को खून की जांच के लिए एक दिन एकत्रित किया जाता। संस्था के प्रतिनिधि खून के नमूने लिया करते थे। ग्लूकोमीटर से खून में शर्करा की मात्रा नापी जाती थी। प्राथमिक परीक्षण वहां के प्रयोगशालाओं में किया जाता था तथा विशेष जाँच के लिए यह नमूने पुणे के मुख्य प्रयोगशाला में लाए जाते थे।
पेयजल की जांच आवश्यकता अनुसार उसी स्थान पर की जाती थी, जिसके अंतर्गत गांव के कुएं, हैंडपंप, ग्राम पंचायत की टंकियां और नल का पानी परीक्षण के लिए लेते थे। प्राणी ऊती संवर्धन के प्रकल्प में छात्रों ने वनस्पतियों का अर्क निकालकर उसकी कर्क रोग ग्रस्त कोशिकाओं पर होने वाले परिणामों का अभ्यास SRB पद्धति द्वारा किया। वनस्पति अर्क में पाए जाने वाले विविध प्रथिनों का और उनकी मात्रा का अभ्यास SDS पेज लावरी जैसे पद्धति से किया गया। कोशिकाओं का विभाजन, उनकी गिनती करना, संवर्धन, डबलिंग टाइम और द्रव रूपी नाइट्रोजन में जतन करना आदि बच्चों ने किए। ये छात्र प्रकल्प में शामिल लोगों की संपूर्ण जानकारी कंप्यूटर में संरक्षित कर उनका विश्लेषण करते थे। खून एवं पेशाब के रिपोर्ट्स तैयार कर पीड़ित लोगों को डॉक्टरों से उपचार लेने की सलाह दी जाती थी। प्रकल्पों से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के बाद ये बात सामने आई कि शहर एवं निम्न शहरी भागों में मोटापे का प्रमाण ज्यादा है तथा ग्रामीण भागों में 1/4 लोगों का वजन जरूरत से कम है, जो पोषक आहार के अभाव का लक्षण है। किडनी विकार का प्रमाण 6-20% पाया गया। शहरी भागों से ग्रामीण भागों में उच्च रक्तदाब एवं मधुमेह का प्रमाण कम पाया गया। 90% से ज्यादा पेयजल नमूनों में फ्री क्लोरीन नहीं पाया गया। इन नमूनों में रोग फैलाने वाले जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव पाया गया, जो पानी में मल मूत्र होने का निर्देशक है। अमरकंद और घाणेरी के अर्क से हिला और MCF7 पर प्रभाव की जाँच की गयी। हफ्ते में एक दिन बाल वैज्ञानिक विविध विषयों पर सेमिनार देते थे। पेशी विभाजन, गुणसूत्रे, डॉली प्रथिने, एड्स, रक्ताभिसरण संस्था जैसे अनेक विषयों पर बच्चों ने सेमिनार दिए। ग्लोबल वार्मिंग पर भी व्याख्यान दिया गया। बाल वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों के व्याख्यानों का आयोजन किया गया। डॉक्टर माधव गाडगिल ने तितलियां, डॉक्टर रीता मुलेरकर ने जेनेटिक इंजीनियरिंग, डॉक्टर घासकड़वी ने जीव विकास शास्त्र और डॉक्टर गौरी अभ्यंकर ने वनस्पति कोशिका संवर्धन जैसे विषयों पर व्याख्यान देकर बच्चों को मार्गदर्शन किया। संशोधन क्षेत्र में प्रख्यात पुणे, मुंबई शहरों में स्थित राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र आयुका, कर्क रोग संशोधन संस्था जैसे प्रयोगशालाओं को बाल वैज्ञानिकों की भेंट आयोजित की गई, जहाँ उनको नई बातें सीखने को मिली। ये बच्चे कंप्यूटर की सहायता से विश्लेषण की गई जानकारी आलेख एवं पोस्टर के रूप में बनाते हैं। प्रकल्प खत्म होने के बाद पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष प्रख्यात शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। यहाँ पर बाल वैज्ञानिकों द्वारा बनाए हुए पोस्टर्स प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर माशेलकर, डॉक्टर गणेश और अन्य शास्त्रज्ञों के हाथों बाल वैज्ञानिकों को पारितोषिक वितरण किया गया। उनको प्रमाण पत्र, 2 महीनों के लिए ₹5,000 शिष्यावृत्ति और सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। डॉक्टर माशेलकर ने उनके अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ग्रामीण बच्चों में बुद्धिमत्ता और प्रगल्भता है और वे हमारे देश की संपत्ति हैं। उनकी कल्पना शक्ति को सरकार ने मौका देना चाहिए। डॉक्टर गणेश ने बच्चों के किए हुए कामों को और उनकी जिज्ञासुवृत्ति की दाद देते हुए कहा कि इस प्रकल्प से बच्चों को संशोधन करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। उस वक्त उपस्थित पूर्व वर्षीय बाल वैज्ञानिक स्नेहल अटसुल और अमेरिका में शिक्षा लेने वाला बाल वैज्ञानिक पृथ्वीराज भोसले ने अकादमी और प्रकल्प के बारे में अपने विचार प्रकट किए। आइए अब सुनते हैं पृथ्वीराज भोसले के विचार। मला त्यांनी चान्स दिला रिसर्च करण्याचा आणि रिसर्च काय असतं हे मला बेसिकली कळालं. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट की काय रिसर्च होता किंवा तो किती सक्सेसफुल झाला. आय थिंक मेन लिटल सायंटिस्टचं गोल असा आहे की स्टुडंट्सला रिसर्च कल्चरमध्ये इन्वॉल्व करणं आणि रिसर्च काय असतो हे कळणं, तर ते खूप चांगली एक गोष्ट आहे जी कळाली मला आणि तिथं आता मला त्याचा खूप फायदा होतोय. इसके पश्चात बाल वैज्ञानिक श्रुती सपकाल ने अपने विचार प्रकट किए. एक गोष्ट मला अकॅडमीची खूप आवडली ती म्हणजे की तुम्ही कुठलाही प्रश्न विचारा, तुम्हाला कोणी असं म्हणणार नाही जर ट्युशन मध्ये किंवा क्लास मध्ये प्रश्न विचारले तसे काय काय विचार करणार की अरे सगळं 45 मिनिटचा एवढसा क्लास आहे त्याच्यात तिचे प्रश्न. पण तसं इथं घडलं नाही की कुठलाही प्रश्न विचारा तुम्हाला त्याचं उत्तर नक्की मिळेल. हे मला खूप आवडलं. सर आम्हाला प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटचं प्रिन्सिपल सांगायचे की असं नाही
ग्रामीण भागों में मूलभूत शिक्षा सुधारने के लिए बहुत से प्रशंसनीय कार्य किए हैं और अब वहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से आगे जाकर आधुनिक विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान शिक्षा पद्धति ले जाने का समय आ गया है। इसी दृष्टिकोण से मूविंग एकेडमी 3 सालों से बाल वैज्ञानिकों की खोज और मोबाइल साइंस फेयर जैसे 2 कार्यक्रमों पर अमल कर रही है। पुणे जिले के पुरंदर तहसील के परिंचे गांव में एक छोटा सा विभागीय ग्रामीण विभाग और तंत्र ज्ञान संशोधन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र द्वारा इस तरह के कार्यक्रम देश के अन्य ग्रामीण एवं आदिवासी भागों में ले जाने की योजना है। अगर यह हो पाया तो ग्रामीण भाग के बच्चों को विज्ञान और तंत्र ज्ञान बचपन से ही अच्छा एवं आसान लगने लगेगा। इस प्रकल्प के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर माधव देव ने अपनी राय व्यक्त की। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस एरा, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज और स्कॉलरशिप। क्रिएटिव चिल्ड्रन आर प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन इन ऑल सोसाइटीज एंड देयरफॉर रूरल इंडिया which houses 70% of its population will have a very large number of creative minds that has remained untapped. If India has to achieve leadership in science technology in the world, it is necessary that these untapped children should be brought in the mainstream of science technology. For that, special efforts has to be made to take modern science technology to rural India with focus on school children. And this is the main objective of the academy's program, which are focused on school children in villages. Thank you. भारत को यदि विज्ञान के क्षेत्र में जागतिक स्तर पर सर्वोपरि स्थान दिलाना है तो मूविंग एकेडमी द्वारा ग्रामीण एवं शहरी भागों में शुरू किए गए बाल वैज्ञानिकों की खोज जैसे प्रकल्प को संपूर्ण भारत में विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रकल्प को हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।